कई सारी बाधाओं के बाद बिहारवासियों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। वो दिन नजदीक है जब पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसकी तारीख भी तय कर ली गई है, वहीं इसके उद्घाटन को लेकर भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हम आपको ट्रेन के उद्घाटन और परिचालन की तारीख तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि वंदे भारत ट्रेन का पहला ट्रायल रन पटना से रांची के लिए 12 जून को पटना जंक्शन के 10 नंबर प्लेटफॉर्म से 6:55 पर किया गया था, जिसके बाद वंदे भारत ट्रेन में कई सारी बाधाएं सामने आने के बाद फिर से आज इस ट्रेन का दूसरा ट्रायल रन किया गया और अब जाकर ट्रेन को हरी झंडी मिल गई है। बिहारवासी अब 27 जून से वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर का आनंद ले सकेंगे। इस पूरी खबर को लेकर विस्तार से बताएं तो बताया जा रहा है कि रेलवे 27 जून से 5 रेल रूटों पर वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू करने वाला है। उड़ीसा में 2 जून को ट्रेन हादसे के बाद यह वंदे भारत का पहला उद्घाटन कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुद इन सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत करने वाले हैं। इसको लेकर ये भी बताया जा रहा है कि मुंबई गोवा बेंगलुरु हुबली पटना रांची भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर रूट पर ये 5 ट्रेनें चलाई जाएगी, जिसको लेकर बिहार के साथ साथ देश भर के लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बात बिहार की ही कर ले तो बिहार में ही देखने को मिला था कि जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना पहुंची थी, वैसे ही लोगों का जमावड़ा लग गया था। लोग जंक्शन पर पहुंचकर उसके साथ सेल्फी खींच रहे थे। वहीं जब इस ट्रेन का पहला ट्रायल रन किया गया तो जगह जगह जंक्शनों पर लोगों की भीड़ लग गई थी। लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। लोग सेल्फी खींचने के लिए लंबी लंबी कतारों में लग गए थे। वहीं अब इस खबर को लेकर लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। दरअसल रेल मंत्रालय ने उड़ीसा हादसे के बाद मुंबई गोवा वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कार्यक्रम रद्द कर दिया था। यह पहला मौका होगा जब 5 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन एक ही दिन शुरू किया जाएगा। इसको लेकर पुमरे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने भी बताया है कि रविवार को यानी कि आज पटना से इस ट्रेन का एक और ट्रायल रन किया गया। साथ ही ये भी बताया गया है कि पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कार्यक्रम रांची में किया जाएगा। अब तक मिली जानकारी के अनुसार दिन के 11 बजे यह उद्घाटन कार्यक्रम तय किया गया है। उस दिन जिन 5 ट्रेनों का उद्घाटन होना है उनमें रांची पटना वंदे भारत तीसरे नंबर पर है। रांची से पहले दिन यह ट्रेन उद्घाटन स्पेशल बनकर चलेगी। उसके अगले दिन से यह ट्रेन पटना से हटिया और हटिया से पटना नियमित रूप से चलेगी। साथ ही साथ इसको लेकर आगे बताएं तो बताया जा रहा है कि इस ट्रेन का प्राथमिक मेंटेनेंस राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। यानी कि मंगलवार को इस ट्रेन का पूरी तरह से मेंटेनेंस का जिम्मा दानापुर डिवीजन का होगा। यह दानापुर डिवीजन से संचालित होने वाली ट्रेन मानी जाएगी। इसका सेकेंडरी मेंटेनेंस रांची में किया जाएगा। आज किए गए इस ट्रायल रन के जरिए इसकी स्पीड और इसकी परिचालन की स्थिति जांची जाएगी। आज यह ट्रेन सुबह 7 बजे पटना से हटिया के लिए रवाना हुई है। तो चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि कब और किस वक्त और कहां से इस ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है। दरअसल पटना हटिया वंदे भारत एक्सप्रेस की औसत गति 60.78 किलोमीटर प्रति घंटे है और यात्रा का समय 6:20 है। 28 जून से निर्धारित समय सारणी के अनुसार पटना से रांची यानी कि हटिया तक पटना से 7 बजे खुलने वाली है, जिसके बाद जहानाबाद से 7:35 पर, गया से 8:25 पर, कोडरमा से 9:35 पर, हजारीबाग से 10:33 पर, बरकाकाना से 11:35 पर, मिश्रा से 12:20 पर, रांची से 1 बजे हटिया से 1:20 पर पहुंचेगी। जिसके बाद हटिया से पटना की बात करें तो उसकी औसत गति 61.60 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है। यात्रा के समय की बात करें तो 6.25 ही लगने वाले हैं। हटिया से 3:55 पर यह ट्रेन खुलेगी, जिसके बाद रांची 4:10 पर पहुंचेगी, बरकाकाना 5:30 पर पहुंचेगी, हजारीबाग 6:30 पर पहुंचेगी, कोडरमा 7:23 पर पहुंचेगी, गया 8:45 पर पहुंचेगी, जहानाबाद 9:28 पर पहुंचेगी और पटना जंक्शन 10:10 पर पहुंचेगी। यानी कि वंदे भारत ट्रेन को लेकर अब लोगों में काफी खुशी है और जल्द ही इसकी सौगात बिहार वासियों को मिलने वाली है। धन्यवाद।